दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा स्टेट बैंक की जो पासबुक है पासबुक को पासबुक प्रिंटिंग मशीन पे अपडेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पासबुक की पेज को किस तरह से मशीन पे इनपुट किया जाता है। सबसे पहले आपको पासबुक की ब्लैंक पेज को लेना पड़ेगा जिस पेज को आप अपडेट करना चाहते हो, और पासबुक की एकदम पीछे एक बारकोड रहता है, बारकोड को हमेशा इस साइड में लेना होगा। मैं आपको बारकोड दिखा नहीं सकता हूँ लेकिन बारकोड इस साइड पे है, और उनकी ऑपोजिट साइड पेज को इस तरह से एकदम सीधा करके इनपुट करना होगा इस तरह से। और इनपुट करते ही मशीन अपने आप अंदर खींच लेगा, और उसके बाद इस तरह से मेनू खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा, आप अपना पसंद का लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। मैं वीडियो पॉज करके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। Please insert the last updated page. यहाँ पर आपकी पासबुक की लास्ट अपडेटेड पेज को यहाँ पर इस तरह से इनपुट करना होगा। आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा क्या बोल रहा है। पासबुक को इनपुट करते ही डिस्प्ले पे आपकी नेम यहाँ पर दिखेगा। Please wait while your passbook and barcode are being verified. Your transaction is under process. Please wait. Passbook printing is under progress. Please wait. More transaction to print. Please insert the next page. और उसके बाद आपको next page को यहाँ पर input करना होगा, और आपको याद रखना होगा इस तरह से आपको आप जिस डेट पे आप मशीन पे जाके अपडेट करवा रहे हो, अपडेट करते करते आपका आप जिस डेट पे आप यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हो उस डेट जब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा तो उनका मतलब आपकी पासबुक अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान देना होगा कौन सा डेट पे आपकी पासबुक प्रिंटिंग हो गया, आपकी डेट की जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है यहाँ पर पासबुक पर प्रिंट हो जाएगा, और कौन सा डेट पर आ रहा है आप उस तरह से चेक कर सकते हो। आप लास्ट डेट आप जिस डेट पे आप जाके मशीन पे जाके आप अपडेट कर रहे हो उस डेट जब प्रिंट हो जाएगा तो आपकी पासबुक पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा।